नमस्कार मित्रों, हम लोग इस सभ्यता अध्ययन केंद्र की जो नई व्याख्यान श्रृंखला ये चल रही है चीन के ऊपर, बल्कि चीन में जो कम्युनिस्टों ने नरसंहार किया है उसके ऊपर। और इस व्याख्यान श्रृंखला में इस विषय को प्रस्तुत कर रही हैं प्रोफेसर कुसुम लता केडिया। प्रोफेसर कुसुम लता केडिया जी का परिचय हम लोग यहाँ पर, अब वो कोई नया नहीं है, उनका बहुत सारे व्याख्यान हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उसमें उनका परिचय भी उपलब्ध है। पिछले व्याख्यान में हमने जो सुना वह विषय था माओ और स्टालिन के संबंध के बारे में, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध बन रहा है और वो कैसे आगे बढ़ रहा है। और हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा सुना है हम लोगों ने कि माओ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे, बहुत मजबूत नेता थे, लेकिन जब स्टालिन के साथ उनका संबंध दिखता है तो वहां वो मजबूती नहीं दिखती है, एक लिजलिजापन दिखता है, एक कमजोरी दिखती है। तो फिर ऐसा एक कमजोर नेतृत्व होने के बावजूद माओ ने चीन में इतनी हिंसा कैसे फैलाई, इतनी अमानवीय अत्याचार क्यों किए। मैं इस साइकोलॉजी पर यदि हम लोग विचार करते हैं तो ऐसी हॉलीवुड की कई फिल्में मुझे ध्यान में आती हैं। ऐसी एक फिल्म है सूट एट क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूं उसका, ऐसे शूट देम आउट। और उसमें एक मानसिकता पर बात की जाती है कि जो व्यक्ति अंदर से कमजोर होता है, कापुरुष होता है। कापुरुष शब्द ज्यादा अच्छा है, वैसे बहुत लोग उर्दू में नामर्द भी कह देते हैं, लेकिन जो कापुरुष होता है, अंदर से कायर, भीरू, डरपोक होता है, वह बंदूक के बल पर अपना पुरुषत्व तो साबित करना चाहता है, अमानवीय कमजोरों पर अमानवीय अत्याचार करके अपना साबित करना चाहता है। एक कमजोर नेता अंदर से मोरली और बाकी दृष्टि से एक कमजोर व्यक्ति माओ किस प्रकार स्टालिन के सामने में तो गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन बाद में हम देखेंगे किस प्रकार चीन में वो कितने नृशंस अत्याचार वो कर रहा है। तो आज फिर वो इसी विषय को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मैं केडिया जी से आग्रह करता हूं आज का विषय प्रारंभ करें। नमस्कार। तो हम लोग देखे हैं कि माओ पहुंच चुका है वहां पर, या बात चल रही है मुझे याद नहीं। बीच में एक संदर्भ आ गया बड़े काम का, वो मैं देना चाहती हूँ। पेज 420 पर मैं ये जो वार्ता कर रही हूँ ये भारतीय श्रोताओं के लिए कर रही हूँ, इसलिए उन चीजों को बताना चाह रही हूँ जिसके बारे में अपने यहाँ संपूर्ण अज्ञान है। इसमें एक घटना आती है कि 1 अक्टूबर 1949 को माओ का कब्जा करा दिया गया इस बड़े क्षेत्र पर। 16 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस होता है, उसकी डिटेल नहीं दे रही हूं मैं। उस कॉन्फ्रेंस में लियू जो इनका एक बड़ा लीडर है वो अपना की नोट एड्रेस दे रहा है 16 नवंबर को। ये पेज संख्या 420 से मैं बोल रही हूँ, इस पुस्तक के 420 से। इन हिज की नोट स्पीच लियू प्रोक्लेम द माओ से तुंग रोड एंड डिड नॉट मेंशन स्टालिन और द रशियन मॉडल वंस। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज सीजिंग पावर वाया द माओ से तुंग रोड थ्रू आउट एशिया एंड बियॉन्ड। संपूर्ण एशिया में कम्युनिज्म के द्वारा कब्जा करना, जो लोग कम्युनिज्म की तुलना बुद्ध से करते हैं, जो लोग कम्युनिज्म की तुलना गांधी जी के अहिंसा से करते हैं, वो कितने बड़े जोकर और चुगद और अनपढ़ हैं, ये मैं बताना चाह रही हूँ। साफ साफ कह रहा है, अरे तुम कम्युनिस्ट हो यार, तो ये मोटी मोटी चीजें तो जानो। द रोड दैट द चाइनीज पीपुल हैव फॉलोड, नॉट चाइनीज पीपुल, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नो, द रोड विच माओ हैज फॉलोड इज द रोड दैट द पीपुल्स ऑफ मेनी कोलोनियल एंड सेमी कोलोनियल एरिया शुड ट्रेवर्स क्लियर। जो माओ ने किया है, इसमें पीपुल ऑफ चीन कह रहे हैं, वही रास्ता लेना है किसको, एशिया के कॉलोनियल और सेमी कॉलोनियल लोगों को। लियू वॉज कैटेगोरिकल
इट इज इम्पॉसिबल फॉर द रिवोल्यूशनरी पीपुल इन सच एरिया टू अवॉइड टेकिंग रोड एंड इट विल बी रॉन्ग इफ दे डू सो. आर्म्ड स्ट्रगल्स ही सेड शुड बी द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ स्ट्रगल. ये तो भाषण दे रहा, आर्म्ड स्ट्रगल क्या है ये आगे हम देखेंगे. निशस्त्र जनता, जनता भारती शब्द है वहां, निशंस निशस्त्र कीड़ा मकोड़ा को किस प्रकार मार दे. इनके पास केमिकल गैस फैस नहीं था, नहीं तो ये उससे देते. ये एकमात्र माओ का जो तरीका है वो साफ कह रहा है वही तरीका है सत्ता को कब्जे आने का. यानी 1 अक्टूबर को माओ जिन तरीकों से चीन वाले विशाल भूभाग, मंगोलिया, मंचूरिया, हेनान, सिक्योंग वाले भूभाग पर काबिज हुआ है, उसी तरीके इस पर अभी मैंने बिल्कुल चर्चा नहीं की है, ये चर्चा मैं बहुत बाद में करूंगी कि किन तरीकों से माओ काबिज हुआ, वो बाद में कर, उसमें बहुत सारी चीजें बतानी पड़ी. मोटा मोटी खून खराबा, यंत्रणा, टॉर्चर, फेमीन और अकाल क्या होता है, भुखमरी क्या होता है, ये भारत वाले लोग या कम से कम वर्तमान जनरेशन ABCD इसका नहीं जानते. तो अब इसके बाद फिर अब ये अगला जो अध्याय है, एक बीच में मैंने छोटा सा डाल दिया, अगला अध्याय है पेज संख्या 422, अध्याय संख्या 33. इसकी हेडिंग है टू टायरेंट्स रेसल, दो नृशंस लोगों का धीगा बस्ती हम कहें. माउस पैरामाउंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टालिन वॉज हेल्प टू बिल्ड द वर्ल्ड क्लास वॉर मशीन एंड टर्न चाइना इनटू अ ग्लोबल पावर, नहीं टू टर्न माओ एज द मोस्ट पावरफुल डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड इन द फैशन ऑफ हिटलर. ये स्टालिन बिना संभव नहीं है, क्योंकि रूस की वार मशीनरी, कम्युनिस्ट रूस की वार मशीनरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के कारण ट्राइड एंड ट्रस्टेड है. उस पर हम कभी अलग से बोलेंगे ये कैसी वार मशीनरी थी, लेकिन जिसकी जरूरत पड़ी थी इंग्लैंड को और अमेरिका को हिटलर से निपटने के लिए. तो माओ के पास कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि जापानियों से जो लड़े थे वो चांग काई शेक की फोर्स लड़ी थी, माओ वाली या कोई वाली कम्युनिस्ट फोर्स जापान से नहीं लड़ी है. जापान और माओ के संबंधों पर आगे आएगा तब बता. तो स्टालिन के सामने दुम हिलाने की, गिड़गिड़ाने की, नाक रगड़ने की, थूक कर चाटने की जरूरत है माओ को, चीन के वेलबींग के लिए नहीं, अपने निजी सैडिस्ट एम्बिशन के लिए. एट द टाइम, उस समय 1949 में, चाइनाज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कुड ओनली प्रोड्यूस स्मॉल आर्म्स. 1949 में ये चीन की स्थिति है. और ध्यान रखिए 1947 में भारत की स्थिति से बहुत आगे है. उस स्थिति को पकड़ के नीचे पीछे खींच के लाने के लिए नेहरू और गांधी का प्रयोग किया है अमेरिका और इंग्लैंड. पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वार सप्लाई भारत से है, और इसीलिए लड़ाई के जो वॉर थिएटर है वो उन जगहों पर है जिससे भारत से यूरोपियन, खास करके इंग्लैंड के रास्ता जो जा रहा है, ये पूरा का पूरा रास्ता सुरक्षित रहे, ये तय करता है कि लड़ाई कहाँ कहाँ होगी, वॉर थिएटर्स कहाँ कहाँ खुलेंगे. तो फिर ये कह रहा है, और वो ये काम इतनी तेजी से करना चाह रहा है, आगे कहीं वर्णन आएगा या पीछे आएगा, वो कहता है जो काम 15 साल में हुआ, जो काम उन लोगों को करने में 100 साल लगा, वो हम 15 साल में कर लें. फिर आगे कहेगा कि 10 साल में कर लें, फिर कहेगा हम 3 साल में कर लें.
और ये जो वॉर मशीनरी तैयार करनी है सोवियत रूस की सहायता से, इसके लिए सोवियत रूस कहता है हार्ड बार्गेन, मुझे दोगे क्या? तो वो कहता है अनाज, और इस अनाज के लिए जो तबाही मचती है, इसलिए ये बैकग्राउंड जरूरी है। दोनों वॉर मॉन्गरर्स, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे, दोनों, और सोवियत रूस जो है यहाँ अनाज की बहुत कमी है, तो इसको चीन का अनाज चाहिए और चीन के मनुष्य चाहिए। परम अभियान, इफ माओ वॉज टू मूव एट द टेम्पो ही डिजायर। और यहाँ देखिए जो मैंने अपने, ये तीसरा भाषण है, पहले भाषण में कहा था ये नॉन स्टेट प्लेयर है, कौन? माओ। कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन? जिसका कब जिस क्षेत्र पर उसने कब्जा किया है। ये तीनों नॉन स्टेट प्लेयर हैं, इनका कोई राज्य नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म स्टेक नहीं है। माओ की उम्र 50 हो गई है, माओ को सब काम 10-15 साल में निपटा लेना है, 70 तक आते आते तो ये झूल जाए। तो इफ माओ वॉज टू मूव एट दैट टेम्पो ही डिजायर्ड, 50 साल का है, 65 तक निपटाना है, फास्टर देन जापान है डन, जापान से भी तेज। जापान वाली कथा मैंने नहीं सुनाई है आपके चैनल पर, अन्य चैनलों पर सुनाई है। 1850-54 में वो जो अमेरिकन आता है जिसको कहते हैं गन बोट डिप्लोमेसी, उसके बाद 1895, 40 साल के अंदर जापान अपने को इतना बड़ा बना लेता है कि यूरो अमेरिकन ब्लॉक को धता बता कर ये चीन पर या कोरिया पर जो कब्जा करता है, जीतता है। फिर 1905 में सोवियत रूस पर कब्जा करता है, हमला करता है, वो भी जीत लेता है, और फिर उसके बाद तो लगातार चीन पर कब्जा करता है, बड़े क्षेत्र में पहुंचता है। इफ माओ वॉज टू मूव एट द टेम्पो ही डिजायर्ड, फास्टर देन जापान हैड डन, देन बिल्डिंग अप एन एडवांस आर्म्स इंडस्ट्री फ्रॉम स्क्रैच इन द 19th सेंचुरी ही नीडेड फॉरेन असिस्टेंस। जापान भी ये अपने आप नहीं कर पाया, जापान ये फॉरेन असिस्टेंस के साथ किया, जिसके बारे में भारत में कोई चर्चा नहीं है। मैं आगे पीछे करूंगी ये पूरा सीरीज। एंड स्टालिन वाज नॉट जस्ट माओस बेस्ट बेट, ही वाज हिज ओनली बेट। ऐसा नहीं था कि माओ, स्टालिन अकेली उम्मीद है माओ की, क्योंकि माओ को और कोई भी खड़ा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये अभी आगे आएगा आज के भाषण में, या शायद उसके अगले वाले सी वाले वक्तव्य में। सो माओ मेड ऑस्टेंटेशियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉयल्टी, स्टालिन अकेला है जो इसके इस दुर्दांत पागल इच्छा को पूरा कर सके, यद्यपि ये इच्छा माओ के जीवन काल में पूरी नहीं रही। चाइना की क्या क्या दुर्गति हुई, चाइना मतलब ये पीआरसी की, पीपुल्स रिपब्लिक यानी कि कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड एरिया की क्या दुर्गति हुई। सो ही मेड ऑस्टेंटेशियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉयल्टी, लैविशिंग प्रेज ऑन स्टालिन टू द मास्टर स्टॉप एनवॉय निकोवान एंड पुटिंग ऑन एन एक्ट फॉर हिज लाइजा मैन कोवलो, द लेटर रिपोर्टेड टू स्टालिन। अब ये स्टालिन के जो गुर्गे, जो स्पाई, जो आंख और कान माओ के कपार पर बैठे हुए हैं, स्टालिन को रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या? माओ वंस स्प्रैंग अप, रेज्ड हिज आर्म्स एंड क्राइड आउट 3 टाइम्स, मे स्टालिन लिव 10,000 ईयर्स, तुम जियो 1,000 साल। ये गाना माओ से आया, और माओ भी स्टालिन के लोगों के सामने ये डिलीवरी ड्रामा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम स्टालिन को रिपोर्ट करो कि स्टालिन हम पर दया करके, कृपा करके भिक्षा में कुछ डाल दे, चीन के लिए नहीं, चीन के लोगों के लिए नहीं, चीन की भूख के लिए नहीं, चीन की महानता के लिए नहीं, चीन की उन्नति के लिए नहीं, माओ के पगलहट के लिए जो पूरा हुआ ही।
Along with the froth, Mao offered something very substantial to cut China's ties with the West. माओ ने कहा दुम हिलाते हुए हम वेस्ट यानी यूरो अमेरिकन ब्लॉक से अपने सारे संबंध कट कर देंगे। हे स्टालिन, हे मेरे आका, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, तुम प्रसन्न हो जाओ, हमको हथियार दे। वो कहता है वी वुड बी ग्लैड, माओ कहता है उसके आग कान के आगे, वी वुड बी ग्लैड इफ ऑल द एम्बेसीज ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज गॉट आउट ऑफ चाइना फॉर गुड, सब निकल जाए। यहाँ भी एक पेच है, वो पेच आगे आएगा, निकल इसलिए जाए कि इनके रहते हुए मुझे जो सफाया करना है, सफाया कैसे करना है, ये विशाल क्षेत्र है कैपिटल, ये कम्युनिस्ट पार्टी भी विशाल है, मार के काट के सता के नाश करके एकदम माओ की मुट्ठी भर का चीन, नेहरू बौने गांधी बौने के आकार भर का भारत। इस भारत में पाकिस्तान नहीं चाहिए, अफगानिस्तान की तो बात ही मत करो, नेपाल भी नहीं चाहिए, श्रीलंका भी नहीं चाहिए, बलूचिस्तान भी नहीं चाहिए, जूनागढ़ भी नहीं चाहिए, हैदराबाद भी नहीं चाहिए, मैं बस प्राइम मिनिस्टर बना रहू नेहरू एंड गांधी और इतना सा भारत। यहाँ क्या इसको इतना बड़ा चीन चाहिए, लेकिन निचोड़ के काट के मार। वी वुड बी ग्लैड इफ ऑल द एम्बेसीज ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज गॉट आउट ऑफ चाइना फॉर गुड, माओ टोल्ड कोवाले। दिस एटीट्यूड वॉज ऑल्सो मोटिवेटेड बाई डोमेस्टिक कंसर्न्स। Recognition would facilitate subversive activities the USA and Britain. अगर USA, Britain, France, Germany, Netherlands, Sweden, दुनिया भर के यूरो अमेरिकन ब्लॉक के देशों का यहाँ एम्बेसी है तो जिन लोग को मारा काटा तोड़ा फोड़ा जाएगा, हथौड़े से चिमटे से जीभ निकाली जाएगी, आँख काटी जाएगी, जब भयंकर फेमिन फैलेगा तो जिनको मैं सताऊंगा दे विल हैव एक्सेस टू यूरोपियन एम्बेसीज, यूरोपियन जर्नलिस्ट, यूरोपियन रिपोर्टर्स, तो इन सबको निकाल के बाहर फेंक। ही फियर्ड, ही माओ, माओ फियर्ड दैट एनी वेस्टर्न प्रेजेंस, पृष्ठ संख्या 423 शुरू हो गया, that any Western presence at all would embolden liberals and give his opponents an opening, however slight. जिस क्षेत्र पर माओ ने कब्जा किया है उस क्षेत्र से भगा दिया गया है चियांग काईशेक, जो जापान से लड़ाई कर जिसने किया, जिस चियांग काईशेक का सोवियत रूस से डिप्लोमेटिक रिलेशन है, स्टालिन जिसको फाइनेंशियल और मिलिट्री मदद कर रहा है, अमेरिका का जिससे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, चियांग काई शेक को भगाया गया, फार्मूसा पर जिसको ताइवान कह रहे हैं, लेकिन सारे लोग तो हवाई जहाज में भर के भगाए नहीं जा सके, वो तो मेनलैंड चाइना में है ना, वो लोग हैं जो माओ के भयंकर शत्रु, जिनका गजब कनेक्शन यूरोपियन ब्लॉक, यूरो अमेरिकन ब्लॉक से है, तो अगर इनको मार काट के उखाड़ उखाड़ के फेंकना है तो जरूरी है यूरो अमेरिकन प्रेजेंस इस क्षेत्र में ना हो। सो ही माओ बैटिंग डाउन द हैचेस इम्पोजिंग अ पॉलिसी ही कॉल्ड क्लीनिंग हाउस बिफोर इनवाइटिंग गेस्ट, मेहमानों को बुलाने के पहले घर की सफाई तो करनी पड़ती है, गंदे संदे घर में तो मेहमान नहीं आएंगे, मेहमान कौन है, यूरो अमेरिकन ब्लॉक, गंदगी कौन है, सारा चियांग काईशेक वाला भीड़, सारा चीन मंगोलिया मंचूरिया का पावर ब्लॉक, 1935 तक मंचुओं का राज्य है ये पूरा का पूरा, और इसके अलावा वो सब लोग
जो पिछले 50, 60, 70 साल में यूरोपियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के आए हैं, इनके मिलिट्री के लोग वगैरह। सो ही कॉल्ड क्लीनिंग हाउस बिफोर यू टेक दिस, घर की तो साफ सफाई कर ली जाए। क्लीनिंग हाउस वॉज अ यूफेमिज्म फॉर ड्रास्टिक ब्लडी पर्जेस एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ एन एयर टाइट कंट्रोल सिस्टम नेशन वाइड विच इंक्लूडेड सीलिंग ऑफ द होल कंट्री, बैनिंग चाइनीज फ्रॉम लीविंग एंड एक्सपेलिंग वर्चुअली ऑल वेस्टर्नर्स, शटिंग आउट फॉरेनर्स ऑल्सो वॉज ऑल्सो अ वे टू इंश्योर देयर वॉज नो आउटसाइड ऑब्जर्वर्स टू द परचेज। इसको कहा गया है आयरन कट। खून की नदियां बहाने के पहले कैमरे के लेंसेस को आउट। ओनली आफ्टर ही हैड क्लीन्ड और रादर क्लींस्ड हाउस वुड माओ ओपन द डोर अ क्रैक, थोड़ा सा अ क्रैक टू एडमिट अ फ्यू क्लोजली कंट्रोल्ड फॉरेनर्स who were always known as guests, not visitors. इन्हीं को नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे हैं। इस ब्लड सेट के होने के 6-7 साल बाद 1956 में जब तिब्बत पर कब्जा हो रहा है, तो इसी रेड आर्मी ये कैसी है जो केवल सिविलियंस का कत्लेआम करती है, तिब्बतियों के कत्लेआम के लिए नेहरू चावल और पेट्रोल भेजते हैं, क्योंकि तो इन सालों की ये औकात नहीं है कि तिब्बत तक अपने आप पहुंच जाए। भारतीयों नेहरू ने उनको पहुंचवाया है। इस पर फिर कभी। हाँ, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वॉज स्ट्रॉन्ग इन चाइना। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो मिड 19th सेंचुरी में ओपियम वॉर चला है, अफीम की खेती वेती चली है, मांचू सम्राट जिसको रजिस्ट करता है, कहीं भी मांचू सम्राट का नाम नहीं आता, हरदम आता है चाइना। अरे चाइना तो गुलाम था मिड 19th सेंचुरी में, नहीं 1935 या 1911 तक, पिछले 350 साल मांचू सम्राटों का। लेकिन यूरो वेस्टर्न राइटिंग चीन लिखता है, मांचू नहीं लिखता है। तो इन मांचू सम्राटों का बड़ा लंबा कहानी है। जब ये ओपियम वॉर के बाद चीन, रूस, चीन नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, ये 5 देश मुख्य और दो एक छुट भैया, जब चीन पर आक्रमण करते हैं या मांचू सम्राटों पर आक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, तो बहुत इनका मजबूत रिश्ता है। माओ हैड कॉज टू फील वरीड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वॉज स्ट्रॉन्ग इन चाइना। मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द चाइनीज इंटेलिजेंसिया रिसीव दियर एजुकेशन इन अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी एंड जापान। चीनी लोग इन चार लोगों के यहाँ पढ़े लिखे, सिखाए गए, ट्रेन किए गए और इनके लिए काम कर रहे हैं। और हमको नहीं पता इनमें से बड़ी संख्या जो वहां पढ़ने लिखने गई वो ईसाई बनकर लौटी थी। ये जो चांग काईशेक और सन येटसेन है, ये सब चर्चियन क्रिश्चियन हो चुके हैं। माओ टोल्ड वर्चुअली ऑल मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर आइदर फाउंडेड बाय वेस्टर्नर्स, ऑफन मिशनरी चर्च और हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट। यानी माओ को 1949 तक के सभी पढ़े लिखे लोगों का कत्ले आम करना था। इसने कत्ले आम किया होता तो मैं इसको दयालु कहती। इसने जिस तरीके से इनको मारा है, इसको जब सुनाऊंगी इस पुस्तक से, ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म से, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कई दिन नींद नहीं आएगा,
हार्ट का पल्पिटेशन चेंज हो, तेज हो जाए धड़कन। इन एडिशन टू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड न्यूज एजेंसीज, ल्यू रोट टू स्टालिन इन समर 1949, अमेरिका एंड ब्रिटेन एलोन हैड 31 यूनिवर्सिटीज। माओ इन सबको खत्म करेगा, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, डीन, वॉइस राय, लाइब्रेरियन, महिला, पुरुष, स्टूडेंट, सबको काटेगा, काटेगा ठीक से। 31 यूनिवर्सिटीज एंड स्पेशलाइज स्कूल्स, 32 रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड 29 लाइब्रेरीज इन चाइना, ये सब जला दिए जाएंगे, एज वेल एज 2,688 स्कूल्स, 3,822 रिलीजियस मिशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड 147 हॉस्पिटल्स, ये सबको नष्ट कर देना है। इसको कहेंगे क्लीनिंग द हाउस। अब आगे है, अब एक दूसरा झंझट, इसको खत्म भी करना है और इनकी जरूरत भी है माओ को। जो माओ को जरूरत है, माओ को सुपर पावर बनना है, तो माओ को इंडस्ट्री चलाना है, माओ को आर्मी मिलिट्री सप्लाई लेना है, वो काम करने के लिए सक्षम यही लोग हैं, तो इनको मारेंगे और री एडुकेट करेंगे। और ये एजुकेशन क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे, इस सुनेंगे ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म से। माओ कहता है, इफ वी कांट रन द सिटीज, ही टोल्ड टॉप ऑफिशियल्स इन मार्च 1949, वी वोंट लास्ट। हम लोग को क्या बता रहे हैं कि रूस का जो कम्युनिज्म है, ये शहरों का है, अर्बन प्रोलेटेरियत का है, और माओ का जो है ये गांव का है, गांव का तो नाश करने का है। माओ कह रहा है, इफ वी कांट रन द सिटीज, वी वोंट लास्ट, हम बचेंगे ही नहीं। इंडस्ट्री सिटी चाहिए तो सिटी क्यों चाहिए, इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री क्यों चाहिए, वॉर मशीनरी के लिए, वॉर मशीनरी क्यों चाहिए, माओ के पगलाहट वाले एम्बिशन हिटलर बनने के लिए। His aim was to scare the educated class out of their liberal Western attitudes. इनको रखना तो पड़ेगा, किंतु this would be much easier to achieve if potential dissidents knew there were no Western representatives in the country to whom they could appeal or any foreign media to tell their story. बंगाल में ममता बनर्जी को कोई सेंट्रल फोर्स नहीं चाहिए जिससे वो अपना माओ टाइप का नंगा नाच कर सके, जिसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो। और धन्य है हमारा, धन्य नहीं, धिक्कार है हमारे लेफ्ट मीडिया को, जो इतना भयंकर घृणित पैशाचिक जो बंगाल और केरल में अत्याचार हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग देखने के बाद मिलेगी। माओ वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द अपील द वेस्ट हैड इनसाइड हिज ओन पार्टी। अब हम लोगों को क्या बताया गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी सड़े हुए सही ही किसी आदर्शों से प्रेरित लोगों का गिरोह है। हम लोगों को कभी नहीं बताया गया ये लुच्चे लफंगे कामनाओं से भरे लोगों का गिरोह। सो माओ वाज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द अपील ऑफ द वेस्ट हैड इनसाइड हिज ओन पार्टी। हिज आर्मी लव्ड अमेरिकन वेपन्स, हिज ओन बॉडीगार्ड्स कंप्लेन कंपेयर्ड सोवियत सब मशीन गन्स कंटेम्पचुअसली विद यूएस मेड कार्बाइन्स। ये रशा वाला थर्ड क्लास घटिया पिस्तौल या गन फन है, अमेरिका वाला कितना बढ़िया, अमेरिका की गाड़ी कितनी बढ़िया।
पेज 424, कंट्रोल वॉज वन की रीजन माओ डिसाइडेड टू शन वेस्टर्न रिकग्निशन। 1949 के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी को यूरो अमेरिकन ब्लॉक से रिकग्निशन नहीं मिला, ये माओ के लिए प्रीतिकर था, सुखकर था। रिकग्निशन नहीं मिलने का मतलब नो डिप्लोमेटिक रिलेशन, नो डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब है नो यूरो अमेरिकन आईज और ईयर इन दैट एरिया विच इज कॉल्ड पीआरसी। दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ टॉर्चर गोज अनरिपोर्टेड। और ये कहते हैं भारत में मोदी का डिक्टेटरशिप है। अरे नालायकों, डिक्टेटरशिप की झलक भी होती तो तुम्हारा मुंह, तुम्हारी जीभ ऐंठ के भीतर कंठ में तालू में जाकर लग गई। ये कहते हैं कि आरएसएस वाले क्या हैं, फासिस्ट हैं। फासिज्म का क ख ग भी अगर आरएसएस को आता तो तुम्हारी जीभ तालू से चिपकी रही। इनफैक्ट माओ वेंट आउट ऑफ हिज वे टू मेक रिकग्निशन इम्पॉसिबल बाई एंगेजिंग इन ओवर्टली होस्टाइल एक्ट्स। ये हम जब बताएंगे चाइना अमेरिका रिलेशनशिप तब इस विषय को लेंगे। ये हम छोड़ दे रहे हैं पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा छोड़ रहे हैं। अभी हम उसी पर चल रहे हैं। पेज 426, सीवरिंग टाइज विद द वेस्ट वॉज माओज गिफ्ट टू स्टालिन बिफोर दे मेट अप। अल्टीमेटली जब माओ पहुंचेगा मॉस्को तब इसके साथ कि मैं पूरी तरह तुम्हारी दया, तुम्हारी कृपा, तुम्हारे अनुग्रह, तुम्हारे भीख पर आश्रित हूं। दो काम हो गया, घर की सफाई मतलब हो जाएगी अभी आगे, और रूस को ठंडक की ये पूरा ब्लॉक मेरे पास है। रूस को नहीं, स्टालिन को ठंडक की ये पूरा ब्लॉक मेरे पास है। यहाँ यूरो अमेरिकन कनेक्शन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एक अक्टूबर 1949 हो चुका है, माओ इस पूरे इलाके का मालिक बना दिया गया है और इसके बावजूद स्टालिन की तरफ से कोई न्योता नहीं है। अब पेज संख्या 426, अ विजिट हैड बीन पेंडिंग फॉर 2 इयर्स बट स्टालिन हैड बीन स्ट्रिंगिंग माओ अलोंग मैनिपुलेटिंग हिज पेरेंट पेटेंट डिजायर फॉर ए मीटिंग टू पनिश हिम फॉर एम्बिशंस बियॉन्ड हिज बॉर्डर्स। ये जो मामला है वही है एडगर स्नो वाला। वो मामला एक बार मैं विस्तार से आप लोग को बताऊंगी। और एन्ना लुईस स्ट्रॉन्ग वाला मामला है, उसके लिए पनिश करना मतलब ऐसे तो हम लोग शायद, हम तो नहीं कुत्ता रखे लेकिन जो लोग कुत्ता रखते हैं, कुत्ते की ट्रेनिंग करते हैं, उसको भी ऐसे नहीं पनिश करते हैं जैसे स्टालिन माओ को पनिश कर रहा है। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, खाना तब मिलेगा, पीना तब मिलेगा, डंडा तब पड़ेगा और डंडा कब मिलेगा। माओ वॉज इनॉगरेटेड एज सुप्रीम लीडर ऑफ चाइना, देयर वॉज स्टिल नो इन्विटेशन। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, एक महीने के बाद, चाओ हैड टू गो टू द रशियन एम्बेसडर एंड टेल हिम that Mao wanted to go to Moscow to pay his respect to Stalin on his 70th birthday. लिज लिजा, हे बाबू, हे मालिक, चाओ को भेजा कहने को रशियन एम्बेसडर को, हे बाबू, हे मालिक, हमारे माओ बाबू बड़का मालिक के जन्मदिन पर दुआ देने जाना चाहते हैं, तो अब तो जाने का अनुमति दे दो। एक हेड ऑफ स्टेट गिड़गिड़ा रहा है, हमको तुम्हारे दर्शन की अनुमति दे दो। इस माओ के बारे में
भारत में जो गुणगान करते हैं वो कितने दयनीय, कितने लिजलिजे, कितने क्षुद्र, कितने गलित हैं, ये बताना मेरा प्रयोजन है। तो ऐसे गलित लोगों के साथ हिंदुत्व की ताकतों को इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए, घृणा से तिरस्कार देना चाहिए कि 21 दिसंबर को स्टालिन का जन्मदिन है तो हम जाके जन्मदिन की बधाई बधाई देना चाहते हैं। स्टालिन एग्रीड, आगे सुनिएगा, ये बहुत गजब वर्णन है। स्टालिन एग्रीड बट ही डिड नॉट ऑफर माओ द सॉर्ट ऑफ स्टेट विजिट इन हिज ओन राइट दैट समवन हु हैड जस्ट ब्रॉट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इनटू द कम्युनिस्ट कैंप माइट फील एंटाइटल्ड टू एक्सपेक्ट। माओ वाज कमिंग मियरली एज वन ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पार्टी लीडर्स, स्टेट विजिट नहीं, अपने झुंड का एक आदमी आ रहा है फ्रॉम अराउंड द ग्लोब कन्वर्जिंग टू पे कोर्ट ऑन स्टालिन बर्थडे। राजा बाबू का जन्मदिन है, दुआ देने भुखारियों की जमात जा रही है, माओ भी उस जमात में एक प्राणी है। माओ सेट ऑफ बाई ट्रेन, अब की बार हवाई जहाज नहीं मंगवाया, माओ अपनी औकात जान गया और ट्रेन में बैठ के पीकिंग से मॉस्को जा रहा है 1949 में। क्या वो ट्रेन है, क्या वो यात्रा है, इसका वर्णन नहीं है। माओ सेट ऑफ बाई ट्रेन ऑन 6 दिसंबर ऑन व्हाट वाज हिज फर्स्ट ट्रिप आउट ऑफ चाइना, पहली बार चीन के बाहर माओ का कदम पड़ा है। ही डिड नॉट ब्रिंग अ सिंगल सीनियर कुली, एक भी सीनियर बड़ा नेता, बड़ा छोटा, टुच्चों में जो बड़ा टुच्चा है वो टुच्चा उसके साथ नहीं जाता है। जब माओ का ये हालत है तो इसके सीनियर लीडर्स का टुच्चापन, शायद कुछ तुलना कर ले केजरीवाल और केजरीवाल का सीनियर कुलीग कौन है, वो जो संजय सिंह और कौन यादव मनीष और कौन सिसोदिया, कौन, मनीष सिसोदिया तो डिसेंट सा दिखता है, एक यादव है लीजिए गोपाल यादव, और कौन कौन टुच्चे कुच्चे कुच्चे जो है ये केजरीवाल के सीनियर लीडर है। तो ये किसी को अपने साथ नहीं ले गया। द हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन इन डेलीगेशन वॉज ए सेक्रेटरी, कारण पता है कौन दुर्गत स्टालिन मेरा करेगा, तो कम से कम ये सब देखे नहीं, देखेंगे तो मुस्कियाएंगे, हंसेंगे, यहाँ लौट कर आके सबको बताएंगे, मेरी भद्द पीटेंगे। स्टालिन्स लाइजा कोवालेव राइटली सरमाइज दैट दिस वाज सो दैट व्हेन स्टालिन ह्यूमिलिएटेड माओ, रशियन को पता है क्यों नहीं लेके आया, क्यों, व्हेन स्टालिन ह्यूमिलिएटेड माओ व्हिच वाज इनएविटेबल इट वुड बी विदाउट चाइनीज विटनेस। अकेले में लताड़ लेना, लतिया लेना, दुलत्ती मार लेना, कम से कम कोई देखेगा तो नहीं। व्हेन माओ मेट स्टालिन द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार मिला, ही इवन एक्सक्लूडेड हिज एम्बेसडर फ्रॉम द सेशन, अकेले माई बाप सरकार जितना जूता मारो स्वीकार, इतना तो दया करो कोई देखे नहीं। अभी कल एक वीडियो में मैंने देखा, कौन सी एक मीटिंग में, मोदी साउथ अफ्रीका में शायद, मोदी जी गए हैं और शी जिनपिंग गया है, शी जिनपिंग कमरे के अंदर रेड कारपेट पर घुस रहा है, उसका अंगरक्षक आ रहा है, उसको फोर्सिबली रोक के दरवाजा बंद कर दे रहे हैं। उसके बाद शी जिनपिंग का जो हालत है, उसको बार बार लोगों को देखने की जरूरत है। मैंने शायद ये प्रदीप सिंह जी का जो आता है अखबार का क्या रोज, उसमें शायद देखा, और भी जगह होगा, इसको बार बार देखिए और मोदी जी कैसे आ रहे हैं। और इसको तुम कह रहे हो ये सेकेंड वर्ल्ड पावर, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कुछ नहीं है, ये साउथ अफ्रीका वालों को पता है, नहीं तो ऐसे उसको बेचैन और नर्वस दुनिया के कैमरे के आगे नहीं किया जाता। भारत में ये ना पता चले,
इसलिए राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, न्यूज क्लिक है और जो जो फेस वॉज पावर अ स्नप फ्रॉम द मास्टर कुड वीकेंड हिज होल्ड ओवर हिज कोलीग्स, वहां कैमरा नहीं है दुनिया का। और ये कह रहे हैं दो महान कम्युनिस्ट नेता मिल रहे हैं जुतियाए जाने के लिए, लतियाए जाने के लिए, गरियाए जाने के लिए, बाबू कितनो मार लो केहू देखे ना, इसलिए इसका फिल्म रिकॉर्ड थी। इसमें समय कितना है उसी हिसाब से हम चले, सबसे मजेदार बता। आज मैंने घड़ी नहीं देखी जब शुरू मुझे किया, लगता है कि अभी हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट है तो सबसे काम की चीज 10 मिनट में आज का बता दे, सुनने वाले सुख से सुनेंगे। तो खैर वो जाता है, ही लेड आउट हिज कोर रिक्वेस्ट हेल्प इन बिल्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिस्टम विद इम्फेसिस ऑन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड अ मॉडर्न मिलिट्री स्पेशली नेवी। और अभी जो जो होता है उस पर हम बाद में बताएंगे, वो तो छोड़ रहे हैं। पेज 428, माओ वॉज पैक्ड ऑफ टू हिज बग्ड रेजिडेंस। एक डाचा में माओ को बैठा दिया गया, चारों तरफ को जो बग है, उपकरण है जासूसी, जो उसकी आवाज सुन रहा है उसको लगा दिया गया है और उसको अकेला छोड़ दिया गया है। पेज संख्या 428, माओ वॉज लेफ्ट गेजिंग आउट ऑफ द पिक्चर विंडो। ये जो हम लोग देखते हैं शाही वेलकम, कि स्वयं मोदी जी को वेलकम करने के लिए सारे हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं, अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हैं ना, ये किसी को नहीं ले गया, उसको वेलकम करने कोई नहीं है, उठा के एक डाचा पाचा एक छोटा सा जगह में बंद कर दिया गया। माओ वॉज लेफ्ट गेजिंग आउट ऑफ द पिक्चर विंडो, माओ बाबू उस डाचा के खिड़की से बाहर ताक रहे हैं एट द स्नो कवर्ड गार्डन एंड टुक आउट हिज एंगर ऑन हिज स्टाफ। धुतकार दिए गए हैं, दो कौड़ी के हैं, और अपनी गर्मी अपने लोअर स्टाफ में निकल रहे हैं। स्टालिन सेंट वेरियस अंडरलिंग, छटका मुटका घुटका पुटका को स्टालिन कई ठोको माओ के पास भेज रहा है, जाओ देख के आओ हालत कैसी है माओ बापू की, पता करके आओ ये माओ किस टाइप का आदमी। रादर दियर जॉब वॉज एज स्टालिन पुट इट टू मोलोटो टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइप माओ वॉज एंड टू मॉनिटर हिम। माओ को लेखिका कह रही है बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, इल ट्रीट। ये सोचे दुनिया जीत के गए हैं लेकिन इनकी लानत मलामत क्यों हो रही है, क्योंकि ये अपने को स्टालिन से बड़ा दिखाने का कोशिश किए। एक एडगर स्नो नामक लेखक या लेखक के द्वारा अपने ऊपर कुछ लिखवा के और बाद में एक दूसरी अन्ना नामक महिला से, उसके लिए ये दुर्गति हो रही है। और इसके बाद कई दिन बीत गया, बहुत कुछ हुआ, जन्मदिन वाली कहानी हम छोड़ गए हैं। 21 तारीख को जन्मदिन में ये गए हैं, ये हाथ उठा उठा के बाबू का जन्मदिन, 1000 साल जिए सब किए हैं, और उसके बाद फिर इनको डाचा में पटक दिया गया है। तो डाचा में कहते हैं 429, इसके बाद मैं कंक्लूड करूंगी। माओ डिमांडेड अ मीटिंग विद स्टालिन, डिमांड कर रहे हैं, शेड्यूल वेड्यूल नहीं है मीटिंग का कि अब इससे मिलोगे इससे मिलोगे, यहाँ स्टेट डिनर होगा, वहां बाजा बजेगा, वहां सैल्यूट दोगे, वहां गार्ड ऑफ ऑनर दोगे, नहीं। वो छुटका मुटका जो छुट भैया सब आ रहे हैं उनसे कह रहे हैं मुझे स्टालिन से मिलना है, आई एम नॉट हियर जस्ट फॉर द बर्थडे, ही एक्सप्लोडेड टू कोवलो, चिल्लाता है कि मैं जन्मदिन पर खाली दुआ मांगने नहीं आया हूँ, आई एम हियर टू बिजनेस, मैं काम करने आया हूँ, वही सब ये दो ये दो ये दो। एम आई हियर जस्ट टू ईट शिट एंड स्लीप, मैं यहाँ खाने टट्टी करने और सोने के लिए आया हूँ,
और स्टालिन ये तीनों इसको नहीं कर रहे, खाने भी नहीं देता है, टट्टी भी नहीं करने देता है और सोने भी नहीं। ये होता है एक कम्युनिस्ट हेड ऑफ स्टेट दूसरे कम्युनिस्ट हेड ऑफ स्टेट को 1 अक्टूबर 49 के बाद दिसंबर 49। क्या ये बस सुन लीजिए, ऑफ दिस ट्रियो ऑफ बॉडीली फंक्शन, खाना, हगना और सोना, नन वॉज प्रॉब्लम फ्री। ऑन द फूड फ्रंट माओ वेंटेड हिज डिसकंटेंट ऑन द फैक्ट दैट हिज होस्ट वर डिलीवरिंग फ्रोजन फिश। ये नहीं है कि लैविश स्टेट डिनर है, ये शराब वो खाना, ना ठंडा जमा हुआ बर्फ वाला मछली। माओ गुस्से में मछली उठा के फेंक दे रहा है, कह रहा है मुझे जिंदा मछली चाहिए, ये ठंडा फ्रोजन मछली मैं नहीं खाऊंगा, उसको नहीं मिलता है। आई विल ओनली ईट लाइव फिश, ही टोल्ड हिज स्टाफ, थ्रो दीज बैक एट देम। कुछ नहीं हुआ। इवन शिटिंग वॉज ए मेजर प्रॉब्लम, टट्टी करना भी मुसीबत था। एज माओ नॉट ओनली सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, उसको कॉन्स्टिपेशन था, कब्जियत था माओ को, बट कुड नॉट एडॉप्ट टू द पेडेस्टल टॉयलेट, उसको यूरोपियन स्टाइल टॉयलेट जानबूझ के दिया, नीचे बैठ के ऊपरू बैठ के टट्टी नहीं करने दिया। प्रेफरिंग टू स्क्वैट, माओ को आदत थी उपड़ू बैठ के टट्टी करने के लिए, जबरदस्ती उसको वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट दिया, वो ठीक से टट्टी भी नहीं कर पाया एंड सोने भी नहीं दिया। एंड ही डिड नॉट लाइक द सॉफ्ट रशियन मैट्रेस और द पिलोज, उसको खूब मुलायम बिछौना दिया और मुलायम मुलायम तकिया दिया। ध्यान दीजिए, इस पूरे कालखंड में रशियन एजेंट्स माओ के चारों ओर चीन में है, पीकिंग में है, उसकी एक एक आदत स्वभाव पर नजर रख के रहे और जानबूझ के उसको इरिटेट करने, टॉर्चर करने, उसको उसकी औकात बताने के लिए, खाना निपटना और सोने के लिए बिस्तर भी नहीं दे रहे हैं। एंड ही डिड नॉट लाइक, माओ डिड नॉट लाइक द सॉफ्ट रशियन मैट्रेस और द पिलोज, चिल्लाता है हाउ कैन यू स्लीप ऑन दिस, इस पर कोई कैसे सो सकता है, ही सेड पोकिंग एट द डाउन फिल्ड पिलोज, उसको तकिए को उठा के फेंक देता है, मैट्रेस को फेंक देता है। जो ही हैड देम स्वैप फॉर हिज ओन फिल्ड विद बकव्हीट, भूसा एक भरवाता है और लकड़ी के तख्ते पर सोता है माओ। जिंदगी भर माओ सोया कहाँ है, इनकी गरीबी, इनकी दुर्दशा, इनकी कंगाली की दशा, ये सादगी नहीं है। चार चार लड़कियों को, छह छह लड़कियों को, आठ आठ लड़कियों को एक साथ लेके आखिर तक माओ सोया है, लेकिन आदत तो है तखत की, तो ये मोटा बिछौना नहीं सुहाता है। तो ये कम्युनिस्ट हेड्स ऑफ स्टेट दूसरे को इस हद तक दुत्कारते हैं क्योंकि दुत्कारना ही इनका जीवन है, और माओ इसको स्वीकार करके गिड़गिड़ा के अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है। यही शी जिनपिंग आज का चीन, आप लोग याद कीजिए, एक कोई मीटिंग हो रही है बहुत बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी की, और एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट को शायद एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, हाथ पकड़ के बाहर कर देता है। शी जिनपिंग को भी अगला आदमी हाथ पकड़ के बाहर कर देगा, लात से मारेगा, घूंसे से मारेगा, नाक से खून निकाल देगा, कोई भी इंजेक्शन दे देगा, चावल लाई के साथ माओ ये सब करता है जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। तो फिर बाकियों की औकात क्या, स्टालिन माओ को खाने नहीं दे रहा है, निपटने नहीं दे रहा है, सोने नहीं दे रहा है 1 अक्टूबर 1949 के बाद, और इनको नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं। यही जब महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आ रहे हैं, हमारे 256 जनपदों में एक जनपद है चीन आज से 5,000 साल पहले, तो
तो वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसके सौगात को लेकर लोग महल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर का द्वारपाल द्वार पर ही उस भेंट को स्वीकार करता है। नमस्कार। तो कम्युनिस्ट पार्टी का संपूर्ण विनाश भारतीय सम्राट का, जैसा कि रविशंकर जी ने कहा, लक्ष्य होना चाहिए। चीनी जनता को, मंगोलियन जनता को, मंचूरियन, तिब्बती सारी जनता को अभय देने के लिए, और किस प्रकार ये एक्सचेंज करते हैं टेरिटरी का, क्योंकि टेरिटरी न इनके बाप की है, न इनके दादा की है, न इनके राजा की है, ये इम्पोस्टर्स, नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं। रविशंकर जी, हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दी। मैं आज सुनकर बड़ा आनंदित हो रहा था। यह जो आपने चित्र खींचा है माओ के, स्टालिन के राज्य में माओ की जो स्थिति, जो दुर्गत हुई है, ये द माओ द अननोन स्टोरी, ये उसके जो मैं पहले ही कह रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर माओ इसकी सारी पोल खोल देता है, धज्जी उड़ा देता है। और आपने बड़ा ही शानदार उसका वर्णन किया है, पुस्तक से ही किया है, ठीक है, लेकिन मैं, हम लोग तो आपके वर्णन शैली के कायल हैं, उसके बड़े प्रशंसक हैं। तो बड़ा आनंद आया। अगले व्याख्यान में और प्रतीक्षा रहेगी ऐसे ही रहस्यमय, जो सत्य जिनको छिपा लिया गया, उन सत्य के उद्घाटन की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुक्र करती हूँ रविशंकर जी आपकी, कि आप मुझे इतना विस्तार से बोलने का अवसर दे रहे अरे हैं। नहीं क्या नहीं हम लोग कृतज्ञ लाभान्वित हो रहे हैं, कहीं ऐसा विस्तार से कोई सुनाने वाला नहीं है, वो हूँ। इस मैंने ढंग से इतना बताने पढ़ा है, वाला। इतना जी, पढ़ा है, तो ठीक है, आप अवसर दीजिए, हम सुनाते हैं बिल्कुल, आपको। इसको चलाएंगे, ये बहुत अच्छा चलेगा जी जी। नमस्कार।